प्रधानमंत्री ने त्रिशूर जिले में गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की है सुबह सुबह। ये ताज़ा तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें ये श्री कृष्ण से जुड़ा ये मंदिर है जो केरल के त्रिशूर में स्थापित है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे हैं और केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। आज का दिन भी बेहद ख़ास, आज जिस प्रकार गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है, इसके अलावा त्रिप्रयाग श्री रामस्वामी मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करेंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें गुरुवायूर मंदिर से हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। त्रिशूर से अनुज यादव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ख़ास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार पूजा अर्चना करते हुए ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, ये बहुत ख़ास, बहुत बेहद महत्वपूर्ण। और कहीं ना कहीं देखें शहला, तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है केरल के लिए भी, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री केरल वासियों को सौगात के रूप में देंगे और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बढ़ता ये कदम है। अगर देखा जाए तो गुरुवायूर मंदिर में प्रधानमंत्री ने साल 2019 में भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और यहाँ दर्शन किए थे और आज प्रधानमंत्री फिर पहुँचे हैं। और देखा जाए दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री ने का ये दो हफ्ते में दूसरा दौरा है। नए साल की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के साथ ही की थी, उसकी यात्रा से की थी और अब प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री की बात कल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कल आंध्र प्रदेश में लिपाक्षी गए थे, जहाँ उन्होंने एक और मंदिर की जो है वहाँ पूजा अर्चना की थी, वीरभद्र मंदिर की। और आज जब वो यहाँ गुरुवायूर मंदिर पहुँचे हैं केरल के, ये त्रिशूर में स्थापित है ये मंदिर और श्री कृष्ण की यहाँ मूर्ति है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचकर उन्होंने सुबह सुबह यहाँ पूजा अर्चना की है, जिसके बाद वो केरल वासियों को 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवायूर मंदिर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद आते हुए ये तस्वीरें, आप बताइए आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, क्या कुछ है प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम और कितनी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये उपस्थिति? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है आज केरल के अंदर, 2 दिवसीय दौरा है और सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन जो है त्रिशूर पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि केरल के कोच्चि से करीब 80 किलोमीटर दूर ये जिला त्रिशूर पड़ता है और यहाँ पर जो गुरु वायूर मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और इसकी काफी मान्यता इस इलाके के अंदर है। हम आपको बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनका बाल रूप जो है वो इस मंदिर के अंदर है और यहाँ के जो आसपास के कई इलाके हैं काफी लोग जो है यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसे में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो वहाँ के जितने भी प्रमुख जो धार्मिक केंद्र हैं, मंदिर हैं, वहां पर वो पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुआत की है इसी गुरुवायूर मंदिर से की है। करीब 7:40 पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ ना सिर्फ पूजा अर्चना की है बल्कि एक तरीके से जो मंदिर की परिक्रमा होती है उस परिक्रमा को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री जो है इस मंदिर के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो करीब प्रधानमंत्री की बात करें तो करीब 12 से 15 मिनट का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दिया। और दूसरी जो आपने बातें बताई, क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हैं वो केरल के लिए आज प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और कोच्चि के अंदर यहाँ पर अर्चना पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर केरल के कोच्चि जाएंगे और वहां पर जो शिपयार्ड है वहां पर एक बड़ी परियोजनाएं हैं। आने वाले समय में जो पूरा एशिया का एक बहुत बड़ा हब जो है कोची के शिपयार्ड पर बनेगा, वहां ना सिर्फ जो जो पानी के जहाज हैं ना सिर्फ उनके मरम्मत का जो एक कारखाना है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे बल्कि पूरे एशिया के जो इलाके हैं उनके सबसे बड़ा हब होगा पानी के जहाज का निर्माण करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा
जो है हम इस परियोजना को इस लिहाज से कह सकते हैं कि करीब आने वाले समय में 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर इस कारखाने से जो है रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो धार्मिक कर्म है उनके साथ साथ अपने जो कर्म है उनको करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही फोकस हमेशा रहता है कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं अगर उनका विकास होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और हमने पिछले कई वर्षों के अंदर देखा है कि प्रधानमंत्री किसी भी जब धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर्यटन काफी बढ़ावा उसको मिलता है।